हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। प्रीवियस रिटर्न्स फाइल करने के लिए जो अपडेट आया था, जो कि था अपडेटेड रिटर्न, वो अभी इनेबल कर दिया है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मोबाइल में ओपन किया हुआ है। हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो लेटेस्ट अपडेट्स में आपको यहाँ पे दिख जाएगा 27 जून 2022 का अपडेट है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ईयर 2022 में जो अपडेट है ये देखने को मिल जाता है। तो ये अपडेट क्या कहता है, बेसिकली ई फाइलिंग ऑफ अपडेटेड ITR अंडर सेक्शन 139(8)A। आपको बेसिकली सेक्शन 139(8)A देखना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना तो ITR 1 और ITR 4 में आपको वो सेक्शन इनेबल करके दे दिया गया है। जहां पे आपको ITR फाइलिंग सेक्शन सेलेक्ट करना होता है, वहां पे आपको अभी सेक्शन 139(8)A दिखेगा, जहां पे आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो हैज़ बिन इनेबल्ड फॉर AY 2021 एंड AY 2021-22 यूजिंग एक्सेल यूटिलिटी फॉर ITR 1 एंड ITR 4। ITR 1 और ITR 4 के एक्सेल यूटिलिटी में आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा और आप अपना ITR जो है दैट मीन अपडेटेड रिटर्न जो है वो फाइल कर पाएंगे। रेफर डिटेल इन न्यूज सेक्शन, अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप न्यूज सेक्शन में देख सकते हो। आप डाउनलोड्स पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हो, तो एक्सेस एंड डाउनलोड द सेम फॉर क्लिकिंग रिस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर फोल्डर्स। वंस अपडेटेड ITR आपका प्रिपेयर हो जाता है तो आप XML जनरेट करके या फिर JSON फाइल जो होता है वो इनकम टैक्स के वेबसाइट पे अपलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको बेसिकली डाउनलोड सेक्शन में जाना है, हालांकि यहाँ पे मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ मैं, आप चाहें तो लैपटॉप में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डाउनलोड सेक्शन में आपको जाना है। डाउनलोड सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे असेसमेंट या सेलेक्ट कर लेना है, फॉर एग्जाम्पल 21/22 सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो यहाँ पे ITR 1 दिख रहा है। ITR 1 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आ जाता है इंक्लूड फाइलिंग अंडर सेक्शन 139(8)A। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। आपको एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद आपको फाइलिंग सेक्शन बेसिकली 139(8)A सेलेक्ट करना है और अपना रिटर्न को प्रिपेयर कर देना है। यहाँ पे मैं अगर ITR 4 देखूँ, आप ITR 2 में देखेंगे ना तो ITR 2 में नहीं आ रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ITR 2 में नहीं आया, एक्सेल यूटिलिटी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर हम ITR 4 पे क्लिक करते हैं तो ITR 4 में आप यहाँ देख सकते हैं, मैं एक्सेल यूटिलिटी ओपन करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंक्लूडिंग फाइलिंग अंडर सेक्शन 139(8)A और ये 27 जून को रिलीज कर दिया गया। तो बेसिकली अभी आप फाइलिंग कर सकते हैं। और आपको कैसे फाइलिंग करना है ये बेसिकली मैं 2-3 दिन में अपलोड करने वाला हूँ वीडियो, एक्सेल यूटिलिटी कैसे यूज़ करके आपको फाइलिंग करना है। उससे पहले आपको ये समझना है कि अपडेटेड रिटर्न कौन फाइल कर सकता है, क्योंकि वो आपको आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप वो नहीं जानेंगे तो ITR फाइल करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप अप्लीकेबल ही ना हो ITR फाइलिंग के लिए। तो आई बटन पे मैंने लिंक कर दिया है वीडियो को, जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि किसके लिए ये अप्लीकेबल है, कौन फाइल कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, तो वो जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली आई बटन पे लिंक हुआ वीडियो देख लीजिएगा एंड आपको समझ में आ जाएगा कि आप फाइलिंग के लिए लायबल हैं या नहीं है। अगर आप अप्लीकेबल हैं फाइलिंग के लिए तो आपको 2-3 दिन वेट करना है, डेफिनेटली आपको एक वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा कि आपको एक्सेल यूटिलिटी को प्रिपेयर कैसे करना है और उसके बाद अपलोडिंग कैसे करनी है। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और जिन्होंने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया डेफिनेटली आप उनसे शेयर कर सकते हैं कि वो अब अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोस रहे वो आप तक पहुंच सकें। और मेरे प्रीवियस वीडियोस भी बहुत सारे आप देख सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारा हेल्पफुल मिलने वाला है, बेसिकली आपका ITR फाइल करने में बहुत सारी हेल्प होने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।